फॉरबिसगंज के पूर्व विधायक जाकिर अनवर की पत्नी भी नगर निकाय चुनाव में कूद गई हैं। उन्होंने जोगबनी नगर परिषद चुनाव में मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसके बाद से यहां पर मुकाबला कांटे का हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और जीत का दावा किया है। अररिया और फॉरबिसगंज के बाद भारत नेपाल सीमा पर मौजूद जोगबनी नगर परिषद काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, जिसके लिए दिग्गज प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और जीत का दावा कर रहे हैं। आइए बारी बारी से सभी उम्मीदवारों के मन की बात सुनते हैं। विकास करने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, और सड़क नाले की बहुत समस्या है जो बनी जी 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 नाली की तो पानी की तो समस्या हमेशा रही, और इस बार कोशिश में है हम लोग की इस समस्या को समाधान। विकास पुत्र है, विकास पुत्र नेता है, और वो हिंदू मुसलमान नहीं, सेकुलर जी हम नेता है। और पूरे अररिया जिला में देख लीजिए आज जो लोग जन सैलाब उभरे हैं, इसी से आपको पता लग सकता है। सवेरे में जो सूर्य उगता है उसी से पता चल जाएगा आज का जो है सवेरा कैसा होगा, आज का रोशनी क्या होगा, आज कैसा धूप होगा। इसलिए के जाकिर अनवर ये अपने आप में ये है, पूरा सैलाब ये बता रहे हैं, पूरा अररिया जिला के लोग उमड़ चुके हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सेकुलर है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, है ना। तो मेरा सारा क्षेत्र कट के इधर आ गया है ना, सभी जनता का मन हुआ कि नहीं आप लड़िए, हम लोग साथ हैं आपका, इसीलिए हम चुनाव मैदान में आ गए। और हम अनुभव भी है हमें चुनाव की, 3 बार से चुनाव लड़ चुके हैं, 25 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, तो जनता का सेवा में लगे रहते हैं और जनता के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है बहुत बहुत एकदम, तभी तो खड़ा हुआ। प्राथमिकता रहेगी जो जोगबनी नगर परिषद जो एक ही व्यक्ति के द्वारा रबर स्टाम्प चेयरमैन बनाया जाता था उसको खत्म करना पे मेरी पहली प्राथमिकता हो। साथ ही जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र का जो विकास बहुत कोसों दूर था, जितने भी सड़के हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी जो है कचरा का अंबार लगा हुआ है, सभी को हमें दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही एक सुंदर स्वच्छ जोगबनी बनाना हमने संकल्प लिया है, उस पे मैं पूरा अमल करूंगा, और जन सहयोग के समर्थन से हमारी जीत तय है। इंशाल्लाह हम लोगों के मान सम्मान का भी लड़ाई लड़ेंगे और जोगबनी को भयमुक्त बनाएंगे।